करना चाहता है बेटी? क्या करना चाहते थे तुम? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, उसका अंत ये है, ये। अभय, अभी भी वक्त है, समझ जाओ वरना। वरना क्या है? वरना क्या? मरे हुए को मौत से डर नहीं लगता है। अगर तुम अपने आप को मरा हुआ समझते हो तो कम से कम अपनी इस आत्मा के बारे में तो सोचो। इसको क्यों बार बार मार रहे हो? क्यों इसे बार बार तकलीफ दे रहे हो? वैसे भी तुमने आज तक जितनी भी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, जितनी भी लड़कियों के, वो सारी की सारी तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। तो अब उसमें तरसू का नाम क्यों जोड़े हो? हाँ, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तरसु ईर्ष्या से भी खतरनाक है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही अभय, कि अगर तुम समझ रहे हो कि तुम कुसुम और सेठ के बीच आकर उन दोनों के बीच में दरार पैदा कर दोगे तो तुम गलत समझ रहे हो। कुसुम तुमसे प्यार नहीं करती अभय। तुम जितना भी उसके पास जाने की कोशिश करोगे उतना ही अपने आप को दूर पाओगे और अपने आप से नफरत करने लगोगे, और इसी नफरत की वजह से तुम अपने आप को मार डालोगे। अभय, मैं मानता हूं कि अब हम दोनों के बीच में दोस्ती नहीं रही, लेकिन फिर भी हम दोनों दुश्मन भी नहीं हैं। इसीलिए अभय, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये सब देखा, आई एम रियली वेरी लकी। मुझे बहुत ही अच्छी किस्मत मिली है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, इतना गिरने के बाद भी, मुझे समझने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मेरी फिक्र करने के लिए कितने लोग हैं? आई मीन, मैं जानता हूं कि जब भी मैं खुदकुशी करने की कोशिश करूंगा ना, कोई ना कोई मेरा हाथ पकड़ कर मुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगा। समझने आ रही, जब भी जीने की चाहत खत्म हो जाएगी ना तो मैं यही आऊंगा, इसी जगह। लेकिन फिलहाल मुझे मरने की तैयारियां करनी है। मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। हाय कुसुम। आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? कुसुम, एक कॉन्फ्रेंस है, हमें बैंगलोर चलना है। अच्छा, आप बैंगलोर जा रहे हैं? तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा हम लोगों को बैंगलोर चलना है, हम दोनों को। सिद्धार्थ, लेकिन मैं बैंगलोर में क्या करूंगी? आप तो बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं ना। कुसुम, क्या है ना कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने ठीक से तैयारी नहीं की है, और अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है कुसुम, वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, फॉरगेट ऑल दिस। सच बात तो यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैंगलोर चलो, अदरवाइज आई मिस यू अलॉट, और मेरा काम है मन नहीं लगे। तो अगर मुझे अच्छा काम करना है, अच्छी कॉन्फ्रेंस करनी है, तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने टिकट्स भी बुक करानी है। अच्छा, तो आपको पूरा यकीन था कि मैं आपके साथ चलने के लिए राजी हो जाऊंगी? अब इस रिश्ते में मैं तुम्हें इतना तो जान ही चुका हूँ, क्यों मेरा यकीन गलत था क्या? बिल्कुल नहीं, मगर सिद्धार्थ, मगर क्या? समझने की कोशिश कीजिए,
घर में एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही है, इतना सारा काम बाकी है, अगर ऐसे में मैं यहाँ से चली गई तो। कुसुम तुम्हें कितनी चिंता है, मगर हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं और यहाँ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर अगर तुम नहीं गई तो मुझे जरूर फर्क पड़ेगा। मैं जाने की तैयारी करूं? Excuse me? Yes, sir. मुझे एक फैक्स मशीन और प्रिंटर चाहिए। ओके, आई विल अरेंज इट फॉर यू सर। कुसुम, मुझे तो चाहिए था। कुसुम, किसका बच्चा है? पता नहीं सिद्धार्थ, मैं अकेले रो रहा था तो मैंने उसे उठा लिया। नजर भी नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से अपने माँ बाप से अलग हो गया। मैं जाके मैनेजर को इन्फॉर्म करता हूँ, तो उसका ख्याल रखना। आप लोग इसके माँ बाप हैं? हाँ जी, हम इसके पेरेंट्स। हमारे बच्चा हमसे गुम हो गया था, थैंक गॉड अब मिल गया। थैंक यू वेरी मच मैम, गॉड ब्लेस यू। कुसुम चले, कुसुम क्या हुआ? कुछ नहीं सिद्धार्थ, वो बच्चा इतना प्यारा था ना। चाहिए नहीं, अब क्या फायदा, अब तो उसके मम्मी डैडी उसे ले भी गए। कसम, वैसे तुम चाहो तो हम दोनों भी मम्मी डैडी बन सकते हैं। अरे मैं तो यही कह रहा था, तुम्हें बच्चे पसंद हैं, वरना मुझे भी बच्चे पसंद हैं। कितने मासूम होते हैं बच्चे, किसी को अजनबी बना लिया, किसी को अपना। और बच्चे हर माँ बाप को एक नई शुरुआत देते हैं उनकी जिंदगी। कुसुम क्या हुआ? कुछ नहीं कुसुम, आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस यूं ही। इट्स ओके सिद्धार्थ, इट्स ओके। कुसुम, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जितने भी अधूरे सपने हैं उन्हें पूरे कर दूं, तुम्हारी जिंदगी में इतने रंग भर दूं, इतने रंग कि अतीत का हर काला साया तुम्हें छू भी ना सके।
कॉन्फ्रेंस कैसी थी? कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी, जस्ट फैंटास्टिक। अच्छी बात है। अरे हाँ सिद्धार्थ, मैंने आज रात की फ्लाइट की टिकट्स कंफर्म कर दी है। इतनी जल्दी? मैं तो सोच रहा था कि एक दो दिन और रुक जाते। So sorry, मैं कैंसिल कर देती हूँ। I was just joking. ऐसे कह रहा था। अच्छा एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय ऑर्डर करती हूँ। कुसुम, ये तुम्हारे लिए। क्या ये? खोल के देख लो। खोलो। ओके ओके। वाओ, चूड़ियाँ। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस से वापस आते हुए मैं इन्हें ले आया। पहना? क्यों, अच्छी नहीं लगी? चूड़ियाँ बहुत अच्छी है सिद्धार्थ, लेकिन ये चूड़ियाँ मुझे फिट नहीं होगी, ये एक साइज छोटी। कौन कहता है? मैं भी बनाता हूँ, देखा? सिद्धार्थ, ये आपके बस की बात नहीं है। तुम चैलेंज में, मैं भी बनाता हूँ। इससे पहले कभी लड़की की चूड़ी पहनाई है? कुसुम, नहीं पहनाई, मगर there's always a first time. हाँ, सोच लीजिए, कांच की चूड़ियाँ है, अगर पहनाते पहनाते टूट गई तो, और अगर मुझे चोट लग गई तो? इतनी हिम्मत नहीं है। आउच! कौन बहुत दर्द कर रहा है? एक मिनट, मैं निकालता हूँ। नहीं नहीं सिद्धार्थ, दर्द होगा। आउच! कुसुम एक मिनट, मैं किसी को बुला के लेके आता हूँ। सिद्धार्थ, कैसी लगेगी? क्या है? कुछ नहीं, इतनी जल्दी घबरा गए? तुम तो जानते हो, तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हो मुझे बर्दाश्त नहीं होती, और तुम्हें जरा ऐसा करती होती। बाकी की चूड़ियां नहीं पहनाओगी? ये मेरे लिए दो, यहाँ मेरे साथ चलिए। ये नया तारा आपका तोहफा है सिद्धार्थ। हाँ, यू नो व्हाट, जब मैं होटल के शॉप में आपके लिए एक तोहफा खरीदने गई थी, तब मुझे वहां ये टेलीस्कोप दिखा, और ये टेलीस्कोप को देखते ही मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। जब मैं छोटी थी ना, तब शशांक भैया ने मुझे बिल्कुल ऐसा ही टेलीस्कोप गिफ्ट किया था, और मैं हर रात आसमान में चमकते सितारों को देखती रहती थी, इस उम्मीद के साथ कि कभी मुझे कोई नया तारा दिख जाएगा। लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला, और आज पहली बार मुझे एक नया तारा मिला है, और वही आपका तोहफा है। क्या हुआ सिद्धार्थ, आपको मेरा तोहफा पसंद नहीं आया? कसम, बहुत पसंद आया। मेरी पूरी जिंदगी में मुझे इससे प्यारा तोहफा आज तक नहीं मिला। और पता है सिद्धार्थ, मैंने इस तारे का नाम भी रखा है। नाम रखा है? क्या? सिद्धार्थ। इतना खास नहीं है कुसुम, अगर तुम्हें मुझे ये गिफ्ट करना है तो इसका नाम बदलना पड़ेगा। क्यों? इसका नाम कुसुम रखना पड़ेगा। नहीं सिद्धार्थ, मैंने इस तारे का नाम रख लिया है, सिद्धार्थ है मतलब सिद्धार्थ ही है।
अब सिद्धार्थ कैसे हो सकता है? तारा फीमेल है तो नाम कुसुम ही रहेगा। क्या तारे फीमेल होते हैं? ये आपसे किसने कहा? अरे कौन कहेगा, मुझे पता है ना तारे फीमेल होते हैं और उसका नाम कुसुम ही रहेगा, कुसुम। जा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आजकल आप बहुत आर्गुमेंट्स करने लगे हैं। बाबा सॉरी, अब से आर्गुमेंट्स नहीं करूंगा। अब तुमने मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया है और मैंने उसका नाम भी सिद्धार्थ नहीं कुसुम रख लिया है। सिद्धार्थ, दिस इज नॉट फेयर। कुसुम, एवरीथिंग इज फेयर इन लव। एक सितारा हंसा झिलमिलाते हुए हलचल है दिल में लहरों का साहिल में हो गया है संगम हाँ कुसुम कुसुम जब तक है सांसें छूट नहीं बाहें रहेंगे जन्म जन्म साथ यूं हम